अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह आज शाही मस्जिद बाग़ आमा में एक मरकज़ी बहुत बड़ा यानी हज तरबियती कैंप मुनक़िद हुआ था। सुबह में 9 बजे से लेकर तकरीबन 1:30-2 बजे तक ये कैंप रहा। इसके अंदर ख़ास तौर पर मेहमान खुसूसी के तौर पर मुहतरम मौलाना सैयद शाह ग़ुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा साहब तशरीफ़ लाए थे और मोहतरम जनाब फ़हीम कुरैशी साहब प्रेसिडेंट टिमरीज़ भी तशरीफ़ लाए थे। हज़रत मौलाना हामिद हुसैन हस्सान फ़ारूक़ी साहब, मौलाना मोहसिन बिन मोहम्मद अलहमूमी साहब, मौलाना हसन बिन मोहम्मद अलहमूमी साहब मदीन तय्यबा से तशरीफ़ लाए, उन्होंने भी अपने कीमती मशवरे दिए। मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल अलीम साहब, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, वो भी उमरा और ज़ियारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसाइल बयान किए और नाचीज़ भी कोशिश किया कि अपनी विस्तात के मुताबिक हज के मसाइल बयान कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा इज्तिमा यानी मर्द व ख़वातीन का यहाँ पर था। मस्जिद और मस्जिद के अतराफ़ का पूरा एरिया तंगदामनी का शिकवा कर रहा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुज्जाज किराम के इस हज को कबूल फरमाए, आसान फरमाए, खैर खूबी के साथ यहाँ से ले जाएँ और खैर खूबी के साथ लाएँ और तेलंगाना ही नहीं दुनिया भर के हुज्जाज किराम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सेहत व आफ़ियत के साथ और कबूलीत के साथ रब्बुल आलमीन इस हज को तकमील फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك